हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, यानी इसका विज्ञान का एक ब्रांच आता है भौतिक, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चैप्टर्स क्या है आपका? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है। तो क्या है फर्स्ट में है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यह प्रकाश किरण है। इसका डिफिनेशन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मौलिक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर है, देखिएगा, यह प्रकाश की किरण है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही, इसका मौलिक पथ यह है, इस पर ना जाकर इसके बगल का एक साइड है, इसी से वह अपना परिपथ बनाकर निकलती है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, फर्स्ट नियम है। सेकेंड नियम है आपतन कोण की जया, यानी साइन आई जिसको कहते हैं, यानी आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया जिसको साइन आर से डिनोट किए हैं, का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के बीच अचर होता है। सेकेंड लॉ है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात में है साइन आई बटे साइन आर, यानी एन टू बटा एन वन है, यानी यह सेकेंड नियम है इसका। इसके बाद है अपवर्तनांक का गहराई से संबंध, जो अपवर्तनांक है उसको गहराई से क्या संबंध है? तो अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष यानी जल का अपवर्तनांक क्या है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो हम जानते हैं कि जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है, तो 4/3 इक्वल टू वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अगर जो आभासी गहराई हमें निकालना हो तो 4/3 गुना वास्तविक गहराई से गुना करेंगे तो आभासी गहराई निकल जाएगी। इसके बाद क्या है? अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध, जो अपवर्तनांक है और उसके प्रकाश की चाल में जो संबंध है उसे हमें बताना है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो वायु है उसके सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता क्या है? क्या है? तो देखिए, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, ये है ए, यानी ए से एयर यानी हवा, जी से यानी ग्लास यानी कांच। ये क्या है? यानी वायु के सापेक्ष किसके अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक, यानी सी बटा भी। वायु में प्रकाश की चाल को सी कहते हैं और कांच में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी बटा भी। इसके बाद है क्रांतिक कोण, यानी क्रिटिकल एंगल क्या है? तो क्रिटिकल एंगल क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरने का आपतन कोण का वह मान जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90° हो, क्रांतिक कोण कहलाती है। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरने का आपतन कोण का यह मान जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए? 90° होना चाहिए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी इसे आई, यानी क्रांतिक कोण को आई कहते हैं, इसको सीधा निरूपित किया जाता है। यहाँ जो एंगल बनाता है उसको आर, यानी आर बराबर 90°, यानी सघन विरल माध्यम है। तो यहाँ है आई बराबर सी और आर बराबर कितना है? 90°। स्नेल के नियम से क्या है? साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी डेंसर, यानी वायु के सापेक्ष, यानी डेंसर के सापेक्ष रेयर का अपवर्तनांक, यानी डी रेयर है, तो डेंसर और रेयर यानी सघन और विरल माध्यम है। तो क्या हो जाएगा? साइन सी, आई को क्या कहते हैं? यानी सी, तो साइन सी बटा आर का वैल्यू कितना है? 90°, यानी साइन 90°। तो क्या हो जाएगा? यानी रेयर के सापेक्ष डेंसर, यानी सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक 1/sin c हो जाएगा। और एक स्टार्ट पॉइंट क्या है? वायु तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान, वायु या कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 42° होता है। इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको TIR यानी टोटल इंटरनल रिफरेंस कहा जाता है, TIR। तो होता है क्या है आपतन कोण का वह मान पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने के कारण वह पुनः अपने ही पथ पर लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। यानी इसके पूर्णांतिक परावर्तन से संबंधित
दो शर्त है। पहला क्या है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में होकर जानी चाहिए। दूसरा का है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता होना चाहिए। जो आपतन कोण का मान है ये क्रांति कोण के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसके बाद है क्या है, प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विक्षेपण क्या किसे कहते हैं, तो क्या है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म, यानी यह एक प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो सात रंग के किरणों में बट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी भेबजियोर यानी सात रंग की किरणों में यानी श्वेत प्रकाश, इससे हमें साबित क्या होता है कि श्वेत प्रकाश क्या सात रंग किरणों का सम्मिश्रण है, यानी सात रंग किरणों का योग है श्वेत प्रकाश। तो भेबजियोर होता है, पहला होता है नीचे से होता है भेबजियोर, VIBGYOR भेबजियोर, जिसमें भी से क्या होता है वायलेट यानी बैगनी कलर होता है, आई से इंडिगो यानी आसमानी कलर होता है, बी से ब्लू यानी नीला होता है, और जी से ग्रीन यानी हरा कलर होता है, और वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, यानी आर से रेड हो गया यानी लाल कलर हो गया। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होते हैं, यानी श्वेत प्रकाश ये जो सभी सात किरणों हैं इसी से बने होते हैं सूर्य श्वेत प्रकाश। अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है, यानी कितनों रंगों को मिलाने से श्वेत प्रकाश बनता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा, सात रंगी किरणों को मिलाने के एक साथ मिलाने से श्वेत प्रकाश बनता है। इसका देखिए विचलन कोण एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन यानी एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू यानी बटा टू होल बटा साइन ए बटा टू, यानी इसको क्या कहते हैं अपवर्तनांक, यानी म्यू, इसे एन या म्यू कहते हैं, जिसे प्रिज्म का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अभी तो हम थ्योरम के बारे में कुछ डिस्कस किए हैं, अब क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस है। पहला क्या है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, क्या हो जाएगा श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है उसका रंग कैसा होता है, यानी जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, यानी जब कोई वस्तु है जो सभी रंगों को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, काला, क्योंकि वो किसी भी कलर को परिवर्तित नहीं करता, इसलिए उसका रंग काला हो गया। प्राथमिक रंग क्या है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, लाल, हरा और नीला, नीला को, ये तीनों को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी दिया गया है क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी दिया हुआ है हमें, जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, दिया गया है क्या, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी ग्लास हो गया, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, हमें दिया हुआ है क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है, पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1/2 यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। तो कांच का यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1/1.5 हो गया, इसको करते हैं ऊपर, तो ये 0 हो जाएगा और ये कटेगा 5 से, 5 × 10 5 दिया 15 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, जो दिया गया है पहले वो हम लिख लेते हैं, क्या है, प्रकाश की चाल दिया है वायु में, क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। इसके बाद क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिल है 1.5 दिल है माध्यम में। अब पूछ रहा है कि माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगा, यानी हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है क्या है, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हम इसको लिखते हैं कैसे, अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में
प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में हो जाएगा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो हमें निकालना है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इसको इधर बाहर करते हैं, यानी किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक क्या है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, क्या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और अपवर्तनांक 1.5 है। इसको दशमलव को उड़ाते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10। अब 5 से कटने वाला है, 5×3 = 15, 5×2 = 10, और 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया, हो जाएगा 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन है, यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण ये बराबर दिया गया है कितना, 60 डिग्री, और न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम यानी डीएम यानी 30 डिग्री हो, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो पहले जो दिया गया उसे हम लिखते हैं हल में, क्या है, ए बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, और डेल्टा एम बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो हम लोग अपवर्तनांक को म्यू या एन से डिनोट करते हैं, क्या है फॉर्मूला, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 बटा साइन ए बटा 2 होता है। तो हो जाएगा क्या, साइन ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री प्लस ये कितना 30/2, अब बटा कितना हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू है 60/2। तो इसको करते हैं हम लोग ऐसे, देखते हैं यहाँ पे इन हो जाएगा साइन, इसको करेंगे तो साइन तो हो जाएगा कितना, ये पूरा का 2/2 है, यानी साइन यानी 30 + 60 कितना हो जाएगा 90/2 भागा ये 90 है, ये होता ना साइन 60 है, तो इससे इसको काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, यानी साइन 30 हो जाएगा, इससे ही कटेगा तो 45, यानी साइन 45 डिग्री/साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का हम 45 डिग्री का फॉर्म मान कितना होता है, 1/√2, और साइन 30 का 1/2। तो ये कैसे हो जाएगा, इसको कर देंगे 1/√2 गुना 1/2 ऊपर चल जाएगा, इससे ही कटेगा तो 2√2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 2√2 हमें आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के किस रंग की तरंग दर्द में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, लाल रंग में सबसे कम होता है न्यूनतम लाल रंग। अब इसके बाद क्या है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक कितना है, 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दिया हुआ है, यानी क्रांतिक कोण बराबर कितना है, 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी क्रांतिक कोण यानी सी बराबर कितना दिया है, 45 डिग्री, यानी आईसी द्वारा क्रांतिक कोण को करते हैं, तो इसका अपवर्तनांक होता है 1/(n)/1/sin c होता है, तो 1/ कितना हो जाएगा, साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, रूट ऊपर चल जाएगा तो 2√2 हमारा ये आंसर हो गया, इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर अगला है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यदि कांच में प्रकाश की चाल इतना हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले जो दिया गया उससे लिखते हैं, क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, यानी दिया हुआ है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल ले 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यदि कांच में प्रकाश की चाल, और कांच में दिया हुआ है, कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड,
तो वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक कह रहा है। क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो वायु में प्रकाश का वेग हो जाएगा, वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश की चाल, सॉरी, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना है? 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड है, और कांच में है 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट गया, 10^8 से 10^8 कट गया, बच गया 3/2। इतना लिख सकते हैं आप, चाहे 1.5 लिख सकते हैं, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो कांच तथा जल के सापेक्ष के अपवर्तनांक क्या होगा? तो पहले जो दिया गया है क्या है, पहले दिया गया है वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, पहले जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, जल वाटर डब्ल्यू लिखते हैं, सॉरी 4/3 हो गया, तथा कांच के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच यानी जिसे ग्लास हो जाएगा कितना, 3/2 है। अब पूछ रहा है कांच का जल के सापेक्ष, जो कांच है यानी ग्लास है इसके जल के सापेक्ष का अपवर्तनांक हमें कह रहा है। तो जल के सापेक्ष यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है, 4/3 है। तो इसको करते हैं, 3/2 है और 4 नीचे हो जाएगा और 3 हो जाएगा ऊपर, तो इसको गुणा करेंगे तो कटने वाला नहीं है, 3 × 3 से करेंगे तो 3×3 = 9, 4×8 ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे।